नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका गर्वित तोलन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड 12th क्लास के सामान्य हिंदी के सैंपल पेपर के बारे में। दोस्तों, इससे संबंधित मैं जितने भी सिलेबस हैं आपके, जैसे हिंदी, सामान्य हिंदी, भौतिक विज्ञान, मैथ, जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका सिलेबस की वीडियो मैं चैनल पर डाल चुका हूँ। तो आप इन पेपर को देखने से पहले एक बार उन सिलेबस को जरूर देख लें, जिससे कि आपको पता लग सके कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको प्रत्येक प्रश्न किस तरीके से पूछा जाएगा, कितने खंड हैं और कितने प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं आपका प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2021-2022। तो इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो प्रश्न पूछने का तरीका सेम रहेगा, लेकिन आपके प्रश्न जो है वो आपके चेंज हो सकते हैं, और लेकिन जो आपके प्रश्न है वो बिल्कुल अलग होंगे, और हो सकता है कि आपके 4-5 क्वेश्चन इसमें से उसमें पूछ लिए जाएं। ठीक है, तो आप इस पेपर की भी तैयारी करके जाएं। ठीक है, तो पहली बात मैं बता दूं आपको, जो पेपर होगा वो आपका 3 घंटे 15 मिनट का होगा, और पूर्णांक जो कहेंगे लोग जो पेपर जो होगा वो 100 अंक का होगा। इसमें आपको 15 मिनट जो है शुरुआत के वो आपको पेपर पढ़ने के लिए दिए जाएंगे, और ये जो प्रश्न है वो दो खंडों में बटा हुआ है, खंड का और खंड खा में। ठीक है, तो पहले हम खंड खा देखेंगे जो 50 अंक का है। तो उसमें कौन कौन से प्रश्न आपके पूछे गए और कितने प्रश्न आपके पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं खंड का में। ठीक है, तो प्रश्न नंबर पहला। ठीक है, तो प्रश्न नंबर पहला जो है वो आपका हिंदी गद्य का विकास, गद्य का विकास है। इससे संबंधित आपसे 5 प्रश्न जो है वो बहुविकल्पीय पूछे जाएंगे। ठीक है, तो कौन कौन से प्रश्न इसमें पूछे गए हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका शिक्षा का उद्देश्य, निबंध के लेखक हैं। ठीक है, पहले का है ये। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, भारत नरेशचंद, संपूर्णानंद, मोहन राकेश, रामकृष्ण दास। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सही हो उसे आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद खा नंबर की बात करें, लल्लू लाल की रचना है, तो आप इसमें से जो ऑप्शन आपका सही हो, जैसे कि आपको दे रहा है सुख सागर, प्रेम सागर, परीक्षा गुरु, रानी केत की कहानी, इसमें से जो भी ऑप्शन आपका सही हो उसे आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर गा की, पर्दा कहानी के लेखक हैं, तो इसमें से आप प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अमरकांत, यशपाल, जो ऑप्शन आपका सही हो उसे आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर घा, आवारा मसीहा के रचनाकार हैं, तो विष्णु प्रभाकर, रामप्रच मैनीपुरी, राहुल साकृत्यानंद, राग है रागम। ठीक है, तो वक्त आपको सही हो से आप अपनी कॉपी पर लिखें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डा, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं, तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर सिंह, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपका सही हो से आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। ये तो रहा आपके गद्य में से पूछे गए 5 प्रश्न। ठीक है, बहुविकल्पीय। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, इसमें से भी आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपके हिंदी काव्य के विकास में से होंगे, और 5 के 5 बहुविकल्पीय होंगे, और 1 नंबर का 1 बहुविकल्पीय होगा, तो कहने का मतलब 5 अंक का ये भी हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया उसे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर का, कामायनी किस युग की रचना है, तो आपको 4 विकल्प दे रखे हैं, द्विवेदी युग, छायावादी युग, भारतेंदु युग, या प्रगतिवादी युग, तो जो ऑप्शन आपका सही हो उसे आप अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद खा नंबर, निम्नलिखित कवियों में से कौन से प्रगतिवादी युग का है, तो अग्रदास है, तुलसीदास है, नंददास है, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो इसमें जो भी ऑप्शन आपका सही हो उसे आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। उसके बाद है आपका गा नंबर, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन 4 दे रखे हैं, 1941, 1943, 1954, 1947, जो भी ऑप्शन आपका सही हो उसे अपनी कॉपी पर लिखें। ऐसे घा नंबर आपका द्विवेदी युग की रचना नहीं है। ठीक है, तो प्रिय प्रवास, साकेत, भारत भारती, कामायनी, तो ठीक है, जो भी ऑप्शन आपको सही उसे अपनी कॉपी पर लिखें। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर डा, निम्नलिखित में कौन सी कृत महाकाव्य नहीं है, तो रामचरितमानस है आपका, साकेत है, पद्मावत है, मामा। ठीक है, तो जो भी आपका ऑप्शन सही उसे अपनी कॉपी पर लिखें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो कहने का मतलब आपको आपकी किताब में से एक गद्य दिया जाएगा, कहने का मतलब एक निबंध दिया जाएगा, और उससे संबंधित आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, और प्रत्येक प्रश्न जो होगा आपका 2 अंक का होगा, तो कहने का मतलब ये आपका 10 अंक का ये वाला प्रश्न हो जाता है, प्रश्न नंबर 3। ठीक है, तो इसमें क्या है, आप पहले पैराग्राफ ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, उसके बाद जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उसको आपको उत्तर देने हैं। ठीक है, इसमें मैं आपको बता दूं कि आपके 2 पैराग्राफ दे रखे हैं, अथवा करके एक और दे रखा है, वो करना एक ही है केवल, चाहे तो आप ऊपर वाला कर सकते हैं, इस पैराग्राफ को पढ़ें और इससे संबंधित आपके 5 प्रश्न जो नीचे दे रखे हैं उनका आप उत्तर दें। दूसरा तरीका, दूसरा वाला आप देखेंगे, अथवा करके जो दे रखा है आप यहां पर इसको पढ़ें, अगर आपको ये इजी लगता है तो आप इसको पढ़ें और इससे संबंधित आपके 5 प्रश्न है उसके उत्तर दें। ठीक है, तो मैं पहले वाले को देखता हूं। ठीक है, तो पहला वाला क्या दे रखा है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधि भरी है, जिनकी कार्ड वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित नहीं होना चाहेगा। ठीक है, लाखों करोड़ों वर्षों में अनेक प्रकार की धातुओं की पृथ्वी पीस पीस कर
अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है। ठीक है, तो इससे संबंधित आपके जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है आपके गद्यांश का संदर्भ लिखिए, कहने का मतलब इसमें आपको कवि का नाम और पाठ का नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। ठीक है, तो इससे संबंधित आप ऊपर प्रश्न पढ़ेंगे, उससे संबंधित आप उसमें उत्तर लिखेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो इसमें कुछ आपके रेखांकित आपके अंश दे रखा है। ठीक है, कहने का रेखांकित आपकी लाइनें दे रखी है, इसकी आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी की देह को किसने सजाया है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपसे उसी पैराग्राफ से संबंधित है। ठीक है, तो आप इसे पढ़ें और आप इसे आंसर अच्छी तरीके से दें। उसके बाद अथवा करके दे रखा है, आप चाहें इसको सेम टू सेम यही आपका इस तरीके से, कहने का मतलब इसी तरीके से आपको पैराग्राफ दे रखा है, इसी तरीके से आपके पांच प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। तो आप चाहे ऊपर वाला करें चाहे नीचे वाला करें, करना आपको एक ही है। इसी तरीके से बात करेंगे प्रश्न नंबर चार की, दिए गए पद्धांत पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर जो तीन था वो आपका गद्य में से था, अब ये जो क्वेश्चन नंबर चार है वो आपका पद्य में से, कहने वाला यहाँ पर जो वहां पर निबंध दिया गया था यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, एक कविता मिलेगी। ठीक है, तो सेम टू सेम आपकी वही है, आपकी यहाँ पर जो कविता दे रखी है आप उसे पढ़ेंगे। ठीक है, और पढ़ने के बाद इससे संबंधित आपके पांच प्रश्न है, वो पांचों प्रश्नों के आप उत्तर देंगे। तो सेम टू सेम आपका पहला जो क्वेश्चन है वो आप उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, कहने वाला कवि का नाम और आपकी किताब का नाम और किस पाठ में से ये लिया गया, ऐसा ही रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पांच प्रश्न है। ठीक है, तो ये आपको उत्तर देने है। उसके बाद अथवा करके इसमें भी आपको छूट दे रखी है, इसमें भी आपको एक और पैराग्राफ दे रखा है, उसको आप पढ़ेंगे, आप उसके भी उत्तर, उसके भी आपके प्रश्न पांच प्रश्न है तो उसके भी आप उत्तर दे सकते हैं, लेकिन करना आपको एक ही है। चाहे आप ये वाला कर लें, ऊपर वाला, ये वाला है आपका दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। ठीक है, उसके बाद पर अवलाजन के लिए कौन सा पथ है। ठीक है, तो ये वाला आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, अथवा करके दे सकते हैं कि आप लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। ठीक है, तो ये वाला भी आप कर सकते हैं, लेकिन करना आपको एक ही, चाहे ऊपर वाला करें चाहे नीचे वाला करें, इससे संबंधित आपके पांच प्रश्न है, आप इनके भी उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे प्रश्न नंबर पांच की, निम्नलिखित में किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो बता दो, ये जो प्रश्न है वो आपका गद्य में से पूछा गया है, आपको यहाँ पर तीन लेखकों के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, इसमें से आपको किसी एक लेखक की जीवन परिचय लिखना है। ठीक है, और उसकी रचना, जीवन परिचय आपका तीन अंक का है और दो नंबर की आपकी रचना है, तो टोटल ये पांच अंक का हो जाता है। अब इसमें ऑप्शन में कौन कौन से आपको दे रखे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, एपीजे अब्दुल कलाम, वासुदेव शरण अग्रवाल, आपको करना एक का ही है, जिसका आपको याद होगा उसका आप करें, और अधिकतम जो है आपको 80 वर्डों में ये लिखना है। इसी तरीके से इसमें एक क्वेश्चन नंबर खा है, ये जो प्रश्न है वो आपका काव्य में से है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का प्रकाश डालिए। तो सेम टू सेम आपके तीन नंबर का परिचय और दो नंबर की कृतियां, कहने वाला रचना, पांच नंबर का ये होता है। अब इसमें कौन कौन से आपके दे रखे ऑप्शन, सबसे पहले आपका मैथिली षडगुप्त, समुद्रानंद पंत और रामधारी सिंह दिनकर, करना आपको एक का ही है किसी का, चाहे आप मैथिली षडगुप्त, चाहे आपका मैथिली षडगुप्त का करें, आप समुद्रानंद पंत का करें, आप रामधारी सिंह दिनकर का कर रहे हैं। ठीक है, आपको करना एक का ही है। ठीक है, अब बात करेंगे प्रश्न नंबर छह, बहादुर अथवा पंचराट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ठीक है, बहादुर पंचराट आप कहानी पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप उसका उद्देश्य लिख सकते हैं, अथवा करके आपको दे रखा है ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। आपको करना एक ही प्रश्न है, कहने वाला इसमें से आपको दो दे रखे हैं, बहादुर या पंचराट, तो उस पर आप बहादुर का करें या पंचराट करें, इसमें से एक करें। अगर आप ये प्रश्न नहीं करना चाहते तो अथवा करके आपको दे रखा ध्रुव यात्रा कहानी कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखे, तो ये वाला प्रश्न आप कर सकते हैं, तो ऊपर वाला आपको नहीं करना होगा। ठीक है, करना आपको एक ही है, मैं बता दूं आपको, पहले में आपको दो में से एक करना है, बहादुर या पंचराट में से एक करेंगे, अगर आप इसे बिल्कुल छोड़ते हैं तो आपको नीचे वाला करना पड़ेगा, ध्रुव यात्रा कहानी कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। ये जो प्रश्न है वो पांच अंक का है। ठीक है, अब बात करेंगे भाई प्रश्न नंबर सात, स्वपठित खंड का आपके आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। ठीक है, तो कहने का अलग अलग खंड दे रखे हैं, जैसे कि आप दे रखा है श्रवण कुमार खंड का आपके नायक का चरित्र लिखिए, श्रवण कुमार खंड का आपके आधार पर दशरथ का चरित्र लिखिए। इसी तरीके से आपके प्रत्येक प्रश्न फर्स्ट हो गया, सेकंड में आपका रसीमती संबंधित आप दो प्रश्न दे रखे हैं, रसीमती खंड का आपके आधार पर कर्ण का चरित्र लिखिए, उसके बाद रसीमती खंड का आपके आधार पर कर्ण का चरित्र कीजिए। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि आपको करना दोनों में से एक ही है, लेकिन अब मैं आपको बता दूं खंड काव्य आपके अलग अलग जिलों के हिसाब से अलग अलग खंड काव्य हैं, जिसकी बारे में मैं जानकारी अपने सिलेबस के वीडियो में दे चुका हूं, तो उस वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उस वीडियो में देखकर ये पता लगा सकते हैं कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आपको पढ़ना है, और उससे संबंधित आपको यहाँ पर प्रश्न मिलेगा और उसी से संबंधित आपको यहाँ पर उत्तर देना होगा। ठीक है, ये नहीं कि आपको श्रवण कुमार आपका जिले के हिसाब से आपका रश्मिरथी है आप श्रवण कुमार करने लगे, नहीं, आपके हर एक जिले के हिसाब से अलग अलग खंड काव्य दे रखे हैं, तो उसकी डिटेल जो है वो मैंने अपने
सिलेबस वाली वीडियो में बताई है, तो वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे मुक्ति यज्ञ से संबंधित, त्यागपति से संबंधित, आपका आलोक व्रत है, सत्य की जीत है। ठीक है, तो इससे संबंधित आपके जो आपके जिले में आता है उसी को आप केवल करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर जो है वो आपका खंड का खत्म हो जाता है। कहने का लो खंड का में आपके केवल 7 प्रश्न आपसे पूछे गए थे। अब बात करेंगे खंड खा की, तो खंड खा जो है वो आपका प्रश्न नंबर 8 से स्टार्ट होता है। इसमें आपसे संस्कृत और व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें देख लेते हैं खंड, तो इसमें देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8, 8 का का। तो इसमें दे रखा है गद्यांश, कहने का मतलब इसमें आपको एक निबंध टाइप दे रखा है जो संस्कृत में है, तो इसको पढ़ लेते हैं। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। कहने का मतलब इसका हिंदी में अनुवाद करना है, वो भी संदर्भ सहित। 2 नंबर का संदर्भ है, 5 नंबर का अनुवाद, तो ये हो जाता है आपका 7 अंक का। ठीक है, अब संदर्भ में क्या क्या लिखना है, किस पाठ का है, किसने लिखा है। ठीक है, तो ये आता है आपका संदर्भ। ठीक है, इसमें आपका ये पैराग्राफ ये दे रखा है। ठीक है, महामाना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता। ठीक है, तो ये वाला पैराग्राफ है, अथवा करके आपको दूसरा पैराग्राफ दे रखा है, हंसराज तदेव परिचय मध्य आत्मन। ठीक है, तो अब करना एक का ही है। ठीक है, चाहे आप इसका करें चाहे आप इसका करें। ठीक है, तो आपको करना एक ही है। ठीक है, तो ये 7 नंबर का है। अब बात करें खा की, तो खा में क्या दे रखे हैं आपको, 2 श्लोक दे रखे हैं, और 2 श्लोक में से आपका एक का ही आपका श्लोक का अर्थ आपको लिखना है। सेम टू सेम आपका 2 नंबर का इसमें संदर्भ रहेगा, 5 नंबर की इसकी व्याख्या रहेगी, 7 नंबर का ये हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको दे रखा है नमे रोचते भद्र, तो ये पहला श्लोक है आपका। दूसरे बात दे रखा है आपका प्रोच्छे कार्य हतार प्रत्यक्ष प्रिय वादनिम। ठीक है, तो ये वाला दूसरा आपको श्लोक दे रखा है, तो आपको करना एक ही है, चाहे आप ये वाला करें चाहे ये वाला करें। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 की। तो प्रश्न नंबर 9 में क्या है, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो कहने का मतलब आपको 4 दे रखे हैं, 4 में से केवल आपको हिंदी में अर्थ लिखने हैं। ठीक, और उसका वाक्य प्रयोग करना है। ठीक है, ये आपका 2 अंक का हो जाता है। ठीक है, जैसे इसमें पूछ रखा है तलवार की धार पर चलना, यहाँ पर टका सा जवाब देना, दाल में काला होना, नमक मिर्च लगाना। ठीक है, तो इसमें से जिसका आपको अर्थ आ रहा हो 2 का वो आप लिखेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 के का की बात करें, निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद को सही विकल्प को चुनिए। कहने वाला बहुविकल्पी आपको दे रखे हैं इसमें। ठीक है, तो बहुविकल्पी प्रश्न है, तो ऐसे दे रखा है तथापि संधि का संधि विच्छेद है। ठीक है, तो इसमें जो विकल्प आपको सही लगे वो आप करेंगे। इसके बाद दे रखा है दूसरा प्रश्न, इसमें परमेश्वर का संधि विच्छेद, तो पर धन ईश्वर। ठीक है, या परम ईश्वर, तो इसमें जो भी ऑप्शन आपको सही, उसे आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। उसके बाद इसमें गा थर्ड गायक का संधि विच्छेद है, तो इससे संधि विच्छेद से आपको तीसरा प्रश्न है। उसके बाद दूसरा प्रश्न इसमें स्टार्ट हो गया, यानी वो संधि विच्छेद से आप संबंधित आपके 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 3 नंबर के ये संधि विच्छेद हो जाते हैं। उसके बाद बात करेंगे खास में, दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन बताइए। ठीक है, ये भी आपका बहुविकल्पी है। ठीक है, तो पहला है आपका आत्मन में विभक्ति और वचन बताइए, तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए बी सी डी, जो आपका आंसर हो उसे आप कॉपी पे लिखेंगे। उसके बाद सेकंड दे रखा है, इसमें आपका नाम भक्ति में और विवचन है, तो इसमें भी आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जो ऑप्शन आपको सही उसे आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 11 के, निम्नलिखित शब्द युगों में सही अर्थ का चयन करके लिखिए। तो देख बसन और व्यसन। ठीक है, तो इसमें आपके विकल्प दे रखे हैं, तो आपको 4 विकल्प में जो आपका सही हो उस विकल्प को आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। उसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, अंबुज और अम्बुद। ठीक है, तो इसमें भी आपको सिंपल 4 विकल्प दे रखे हैं, जो विकल्प आपका सही हो उसे आप अपने कॉपी पर लिखेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर खा, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द को 2 अर्थ लिखिए। ठीक है, कहने का मतलब ये पर्यायवाची शब्द हैं, तो पर्यायवाची शब्द में आपको 4 दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मतलब अंबर पट विधि और नाग। तो किसी एक के आपको 2 अर्थ लिखने हैं, चाहे आप अंबर के लिख दें, चाहे पट के लिख दें, चाहे विधि के लिख दें, नाग के लिख, लेकिन लिखना एक का ही है। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन नंबर का, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। ठीक है, तो इसमें भी आपका बहुविकल्पी है। ठीक है, जो आंख के सामने हो। ठीक है, पहला इसमें जो आपके सामने हो, 4 विकल्प दे रखे हैं आपके। ठीक है, जो विकल्प आपका सही हो उसे अपनी कॉपी पर लिखेंगे। इसके दूसरा क्वेश्चन है इसमें जानने की इच्छा रखने वाला। ठीक है, तो इसमें भी आपके 4 विकल्प दे रखे हैं, तो जो विकल्प आपका सही हो उसे आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर घ की, निम्नलिखित में किसी के लिए 2 वाक्यों को सब शुद्ध करके लिखे। कहने वाला आपके अशुद्ध वाक्य दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं, 4 में से केवल आपको 2 को ही शुद्ध करके अपनी कॉपी पर लिखना है। जैसे कि आप तुम तो कुर्सी पर बैठे हो। ठीक है, उसका इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं। तो आपका जो गलती है उसे सही करके आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे, केवल 2 के। ठीक है, इसके बाद बात करें प्रश्न नंबर 12 के का की, वीर रस अथवा हास रस का स्थायी भाव सावधारण सहित परिभाषा लिखिए। कहने का मतलब आपका रस से संबंधित क्वेश्चन है एक आपका का नंबर, जो 2 नंबर का आएगा। उसके बाद आपका खा, इस पर श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा लंका की लक्षण अथवा धारण लिखिए, तो ये भी 2 नंबर का आएगा। इसका जो कोर्स में जो आपके जो जो रस हैं आपके या अलंकार हैं वो आपके
आप सिलेबस की जो वीडियो है उसे आप दे सकते हैं, जो जो आपके कोर्स में है उसे ही आपको पढ़ना है। ऐसे इसमें क्वेश्चन नंबर गा है आपका, दो अथवा सोरठा छंद का मात्रा सहित लक्षण और धारण लिखिए। तो ये आपके तीन प्रश्न बारे में आपने पूछे जाएंगे, ठीक है। ये भी दो दो अंक के होंगे, छह अंक का ही हो जाता है। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 13, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र अथवा प्रार्थना पत्र लिखिए। कहने का मतलब आपको पत्र लिखना है, पत्र संबंधित आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो अथवा करके आपको दे रखा, शहर में फैली संक्रमण बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र प्रार्थना पत्र लिखिए, ठीक है। तो कहने का मतलब इसमें है कि प्रश्न नंबर 13 में आपसे दो प्रश्न दिए जाएंगे, आपको करना एक ही है। कहने का मतलब आप ऊपर वाला कर सकते हैं, अगर ऊपर वाला नहीं तो नीचे वाला आप कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 14 जो आपका निबंध संबंधित है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए, ठीक है। कहने का मतलब इसमें यहां पर 5 ऑप्शन दे रखे हैं, 5 में से केवल आपको एक ही पर, एक ही टॉपिक पर आपको निबंध करना है। तो इस पर ये आपका 9 नंबर का होगा। जैसे इसमें टॉपिक दे रखे हैं, देश में बेरोजगारी की समस्या, आप इस पर कर सकते हैं। आतंकवाद की समस्या और समाधान, इस पर कर सकते हैं। वृक्षारोपण का महत्व, तो इस पर कर सकते हैं। विद्यार्थी और राजनीति, इस पर कर सकते हैं। देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका, जो आपको टॉपिक ईजी लगे उस पर आप करिए और लिखिए, ठीक है। तो दोस्तों इस पेपर में केवल आपको टोटल जो 14 प्रश्न पूछे गए, तो मैंने प्रत्येक प्रश्न को डिटेल में बताया है, ठीक है। अगर कोई भी प्रश्न में किसी भी दिक्कतें आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, तो उससे संबंधित मैं जवाब आपको जरूर दूंगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और एक बात और बता दूं मैं आपको कि इसके सिलेबस की जो वीडियो है, ठीक है, वो मैं चैनल पर डाल चुका हूँ। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सिंपली आप वहाँ पर उस लिंक पर जाएं और उसके पूरे सिलेबस को आप देख सकते हैं, और आप वहाँ पर देख सकते हैं आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।